आज हम बात करेंगे अपने प्लेनेट यानी अर्थ के बारे में और ये भी देखेंगे कि यह इतना खास और महत्वपूर्ण क्यों है। पृथ्वी सूर्य की दूरी से हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। यह अपनी दूरी पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करता है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, जबकि सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है और इसी तरह एक साल पूरा होता है। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लेनेट मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने इन सभी ग्रहों की प्रकृति के बारे में काफी हद तक जानकारी पा लिया है, जैसे कि वहां के वातावरण, जमीन और जमीन में समय के साथ होने वाले बदलाव को। हमारे वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी जैसा अनोखा ग्रह हमारे सौरमंडल में है ही नहीं। यानी पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां पर जीवन है पर वायुमंडल है। इस वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, जो किसी भी जीव के लिए सबसे जरूरी है, पानी है, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं और ये सभी एक जीवन चक्र में बंधे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति किसी और प्लेनेट पर है ही नहीं, क्योंकि वहां पर कई ग्रह ऐसे हैं जिनका वायुमंडल ही नहीं है, और यदि है तो वहां का टेम्परेचर सामान्य से या तो कई गुना ज्यादा है या फिर कई गुना कम है, जहां पर लोहा भी भाप बन जाए, ठंड इतनी ज्यादा कि हड्डी भी गला दे, वहां पर हमेशा ज्वालामुखी के लावा, भूकंप, तेज हवाएं चलती रहती हैं। ऐसे में जीवन पनपने की कोई भी परिस्थिति बन पाना असंभव है। वैज्ञानिकों ने एक अनुमान में बताया कि आज के समय में जिस तरह से मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि पृथ्वी पर भी जीवन डेंजर जोन में आ जाएगा, यहाँ पर भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक मानव जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरे ग्रह की खोज कर रहे हैं। हमारा भी यह कर्तव्य है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे आपदाओं से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे कि हमारी पृथ्वी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।